नाटक जाली ज़्यादा कहने प्राण जा फिर से फिर सब देख एक लोग चाहे एक लोग चले जाए तो बना जाओ तो अरे जाली तुम यही बना सुरक्षा के इंतज़ाम है। लगभग 5 कंपनी CAPF आई हुई है, PAC का बल लगा हुआ है। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्ट्राइकिंग रिजर्व्स हैं हमारे, लगभग 8 स्ट्राइकिंग रिजर्व्स हमारे जनपद के अलग अलग किनारे में। हम लोग बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि ये पूरी चुनाव प्रक्रिया हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक निपटाएंगे और सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं है। चुनाव जीतने के बाद क्या किस तरह के निर्देश हैं? निर्देश किसी प्रकार का विजय जुलूस बैंड है, ये बात सभी लोगों से मीटिंग करके सभी लोगों को बता दिया गया है और सब लोग इस बात पर एग्रीड भी हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद कोई भी पक्ष जीते कोई भी पक्ष हारे उनको सकुशल वहाँ तक अपने घर तक एस्कॉर्ट किया जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी जुलूस मान्य नहीं होगा। DM साहब, कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग की बात करें तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, रिजल्ट पहला किस समय तक आ पाएगा? आप रिजल्ट जो हैं, जो आयोग के निर्देश हैं, हम लोग एक राउंड में 14 टेबल्स हैं, उसके अनुसार अराउंड 2 PM तक हम लोग रिजल्ट जो है फाइनलाइज। लखीमपुर विधानसभा में 33 राउंड होंगे तो अराउंड 2:30 बजे 3 बजे तक फाइनल रिजल्ट। मतगणना स्विच करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं और इसको इंश्योर करें। किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, क्या क्या व्यवस्था है? जो निर्वाचन आयोग के मानक हैं उसी के अनुरूप सारी तैयारियाँ की। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए यहाँ से बॉर्डर सुरक्षा के समझो इंतजाम किए गए हैं, बाकी कप्तान साहब साथ में आप बता दें। चुनाव परिणाम के बाद भी क्या निर्देश? सूचना जो है जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो इनकोर के माध्यम से ऑनलाइन भी फीड होगी और मीडिया बंदों को भी दी जाएगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।